मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp के द्वारा एक साथ किसी को नंबर भेजना चाहते हैं तो कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जब भी आप WhatsApp के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप किसी को एक साथ नंबर भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक नंबर को सिलेक्ट करना होता है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। परंतु यदि आप एक क्लिक में सभी नंबर को सिलेक्ट करके भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले WhatsApp से बाहर आ जाना है, और WhatsApp से बाहर आने के बाद को अपने मोबाइल के अंदर सर्च ऐप के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट ऐप को सर्च करना है जो कि सभी मोबाइल के अंदर होती है और जो कि गूगल की ऐप है। तो यहाँ पे हमें इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यदि आप यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऊपर ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है, और इसके बाद सेलेक्ट और पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने सभी नंबर को सिलेक्ट कर लिया है। अब यदि आप इन सभी नंबर को एक क्लिक में किसी को भी भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर का आइकन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर है वो एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समय इंतज़ार करना है। अब यदि आपका जो नंबर है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे आप WhatsApp के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा या फिर जिसके भी द्वारा किसी को नंबर भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे WhatsApp से भी भेज सकता हूँ या फिर ईमेल के थ्रू किसी को भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ईमेल के अंदर जाके यहाँ पे उसका ईमेल डाल के भी नंबर भेज सकते हैं। और यदि आप WhatsApp के द्वारा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप WhatsApp के द्वारा भी भेज सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।